वार्निंग, वीडियो देखने से पहले इस पर्चे को जरूर देखना। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लूज प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। चलिए शुरू करती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को फोर फोल्ड कर रखा है ऐसे, इस तरीके से। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और फिर हम कमर की नाप लेंगे, कमर है 36 इंच। 36 इंच का आधा 18 हुआ, उसमें 18 में हम 4 इंच लूजिंग जोड़ेंगे तो 22 हो गया। 22 का आधा निशान लगाएंगे 11 पे, कमर 11 इंच के। फिर हम आसन का हिसाब देंगे, तो जितना ये कमर का हिसाब रहता है उतना ही आसन का भी रहता है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन में जाने के लिए। यहां से 1 इंच, फिर यहाँ से 1.5 इंच, और ये क्रोच एरिया हम ऐसे निशान लगा देंगे। फिर हम लंबाई का नाप लेंगे, लंबाई है 37 इंच। सैतीस पे निशान लगा लिया, 2 इंच मार्जिन लेंगे फोल्ड के लिए। नीचे से इसकी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, हम 13 इंच घेर रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। इसके बाद हम ऐसे स्केल के सहारे से हिला लेंगे, और हम जिसे और ज्यादा घेर रखना चाहते हैं इतना भी कर सकते हैं, पूरा भी ले सकते हैं। जब हम ये यहाँ पूरा घेर रखेंगे तो यहाँ से 1 इंच, जब हम पूरा घेर रखेंगे तो यहाँ से 1 इंच ऐसे ले लेंगे इस तरीके से। इस वजह नहीं तो ये जो लोग बोलते हैं कि हमारे ये इधर उधर जा रही है थोड़ा सा, तो इससे नहीं होता, थोड़ा गुलाई ले लेते हैं। तो चाहे हम इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। 3, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। हो गया कटिंग। 3, 1 इंच हम यहाँ से नीचे की तरफ लगा देंगे निशान, इसको तिरछा ऐसे यहाँ से मिला लेंगे। 2 पल्ला उठा के दोनों पल्लों में कटिंग कर लेंगे। इससे जो है हमारे प्लाजो में खिंचाव नहीं होता है, आगे से जो आसन आके पीछे चला जाता है, इस वजह से नहीं हो पाएगा ऐसे। ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है, अब इसको हम सिल के दिखाएंगे।
सबसे पहले हम आसन को सिलेंगे। देखिए हम आसन को सिल के इस तरीके से सिलेंगे। यहाँ हम 1 से 1.5 इंच छोड़ देंगे, फिर बाद में यहीं से हम घुमा लेंगे इसको। दोनों तरफ का आसन इसी तरीके से सिल लेंगे। इधर भी 1 से 1.5 इंच। नीचे घुमा के हम ये देखिए हमारे दोनों तरफ का आसन तैयार हो गया सिल्ली। अभी हम इसमें लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक को हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये लास्टिक हम जिसे हम उसी हिसाब से ले रखा है। ये लास्टिक हमारा 13.5 इंच है। हमने 27 इंच की पूरे राउंड की लास्टिक ले रखी है। वीडियो ये देखिए हम ऐसे लास्टिक 1/2 इंच यहाँ से ऐसे मोड़ लेंगे, इस तरीके से रखेंगे। फिर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से लास्टिक लगाएंगे। ½ इंच फोल्ड करते हुए इसी तरीके से हम पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के फिर दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से खींचते हुए ऐसे पूरे राउंड में सिलाई ये देखिए सिलाई लग चुकी है। हम इसको ऐसे इस तरीके से खींच लेंगे तो लेबल में आ जाएगा। अब हम इस पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से पकड़ के खींच के
ये देखिए सिलाई लग चुकी है, हमारी इलास्टिक तैयार है। अब हम इसको इस तरीके हम पोछे को फोल्ड करेंगे। इसमें हम पहले कट लगा लेंगे थोड़ा सा, ये देखिए हमने कट लगा लिया। हम इसको इस तरीके से हम पोछे को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से दोनों पोछे को फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे साइड में। यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे क्रॉच एरिया पे डबल सिलाई लगा लेंगे। ऐसे इस तरीके से कट लगा लेंगे, इससे खिंचाव नहीं करता है। भाग पे जरा सा कपड़ा लगा के सिलाई लगा देंगे ताकि पता चले कि ये फ्रंट भाग है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे।